कहते वान्यू को मारा घर आचाल वो निहुला रे डूब का मर मेरे तन पे एक वस्त्र भी नहीं मऊ का हाड़ा और मैं ससुराल में चल बच जाऊंगा नहीं नहीं जा वान्यू को मैं नहीं जा हेलो हेलो जाने से फिर राजा नल ने कहा कि नहीं जा कि नहीं जा फिर जंगल में एक कुटिया दिखाई देती निवला भाई राजा नल की है शमीरी लुटी दिखाई दे फिर चाल उड़ा रहेंगे शमी कुटी दिखाई दे ये महाराज वहां चलिए निवला चालों के ऊपर आधी साड़ी खोल कर दे मेरे पास तो कोई वस्त्र नहीं दमयंती ने अपनी आधी साड़ी खोल कर फेंक दी आधी साड़ी में राजा नल ने तन ढक लिया आधी साड़ी में रानी दमयंती ने तन ढक लिया और कुटिया पर लेट जाते रानी की आंख लाग गई पर राजा की आंख नहीं लग गई और कलयुग जिसने वचन करया था कि थरा राज भी नष्ट करूंगा तुम नऊ गाड़े करूंगा तुम नरे नरे पाड़ूंगा राज तो नष्ट कर दिया था वस्त्र भी भंग कर दिया था बौड़ा बार बार राजा नल की बुद्धि में टक्कर मारा रही इसने छोड़ दिया जंगल में या साथ रहेगी खाया जाना कमाया जाना तू के करेगा विचार आता क्या सारी दुनिया ने बेरा ये पैसे के लिए काम करती पर उस खातर भी 10 लाख रुपया नगद कर दे अर्जुन का दे भाइयो अंबाला शहर अरे शहर के बीच में गए सारे कपड़े तारे के नगन अवस्था में तुम्हें तो लकड़ना है 10 लाख रुपये का नाम है गारंटी है वैश्या की वो काम नहीं करेगी वो तो एक रियासत का राजा था तलिन लखार शर्मा गे न्यू कड़े जा कत्ती उघाड़ा पागल की जू कत्ती उघाड़ा पागल की जू न्यू कित जाया जागा नगन शरीर मनुष्य के शामी नहीं लखाया जागा रानी ने सदा आनंद भोगे ना दुख खाया सके संग में रहते सके न खाया कमाया जागा इसके संग में रहते सके न खाया कमाया जागा दोस्त मेरा से वाह दुख भरना सही है
जन्म होता, कन्या पक्ष का फर्ज होता है उसका लालन पालन हो, उसके धर्म की रक्षा हो, और जिस दिन वह पति के हवाले करती जाओ उस दिन से पति का उसके परिवार का फर्ज कि उसके धर्म की रक्षा हो। अरे माँ बाप ने तो धर्म पूरा कर दिया, तेरा हवाले कर दी, अब तू अरे जंगल में जाकर छोड़ के चल लगा, अरे तो एकली रानी से कौन इसके धर्म की रक्षा करेगा, अब पर लड़ेगी इतना लड़िया जाएगा ना कोई भी दोहर नहीं है क्या। फूक दही कलयुग ने बुद्धि, फूक दही कलयुग ने बुद्धि, आत्मा काली होई, राज करूं था आज पुष्कर के, आत्मा काली होई, 16 वर्ष तक यमा पिताई आप संभाली होगी, आज पति वरता अपने धर्म की वह आप रुखारी होगी, अपने धर्म की आप रुखारी होगी। अरे ऊ कचूके ऊ कचूके तीन किसे ने सीता मरना सही है, छोड़ चलो हर भली करेंगे कंदी ना डरना सही है, हम दोनों हैं अनजान मगर वो पहचान पुरानी लगती है, हम दोनों हैं अनजान मगर वो पहचान पुरानी लगती है, तुमसे मिल के सारी दुनिया विचार करके राजा नल वापिस कुटिया में आ जाते, आराती साड़ी लपेट कर फिर लौट गया, फिर बार बार कलयुग टक्कर मारे, राजा नल अपनी बुद्धि से सोचे तो ठीक सोचे और फिर कलयुग का प्रभाव बढ़ जा, फिर मन मनुआ और अकड़ नहीं जागा छोड़ देने, फिर बुद्धि में बात आई जा सारी साड़ी ने मैं ले चलू तो रानी की माटी पेटे, और जब साड़ी ने आड़े छोड़ दू साड़ी ने तो आड़ा मैं क्यों कर जा, फिर बुद्धि में बात आई वह कोई सा राज पाजामा दी साड़ी काट लो तो ही बिलक ली, आज भी देखना किसी का बुरा टाइम आ रहा हो, टोटा गोडिया चढ़ रहा हो, किसी का बालक भूंडा कर्म कर दे, और गांव का गोरे का रेल जाती हो वो, और वो नहीं सोचा भाई जीण के नहीं रहे, समाज से आंख मिलाने के नहीं रहे, शर्म आओ है रेल तड़ कटका मरेंगे, और वो मरण चाल पड़े, और को भला मानस हो उसने बेशक क्या है गाना बेरा हो और रुक्का मार ले रहा फलाने आ जा चा पीवांगे, वो एक सा प्या दे रे को का प्या दे गारंटी हो मरे नहीं, क्यों घड़ी टल जा तत्तल हो जो काम हो जाएगा फिर ना हो, और उसके मन मन युवा हुआ कोई सा राज हो जिस ताप भी साड़ी काट लियो, कलयुग ने नहीं सोची जाए इब राज पा गया तो चलिया जागा ना जागा नहीं, हाथ मारा राजा नल ना अंधेरे में कलयुग खुद तेगा बन के खड़ा हो गया, हाथ मारते हाथ में तेगा आ गया, उड़े साड़ी काट दी क्या करनी पड़ी, एक मन ते कह छोड़ बहु ने, एक मन ते कह छोड़ बहु ने, एक मन नातन खाते कलयुग जोर जमाव भूत पे न्यारे पाटन खाते, राजा नल विचार करे था न्यू दल डातन खाते, अरे एक तुए नासा राजन चाहिए साड़ी काटन खाते, एक पहले रात भी चाहिए साड़ी काटन खाते, फिर कलयुग
तक जाग्या। उसी कुटी पे वो इधर उधर में टहल के देखने लाग्या। राजा नल में जान नहीं वो भूल मत हो